जलभराव को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन, उठाई आवाज। खबर मैनपुरी से आ रही है। ब्लॉक करहल की ग्राम पंचायत नाकव के मजरा कंचनपुर में मुख्य मार्ग पर आने वाले रास्ते पर और जाने वाले रास्ते पर जलभराव होने के कारण लोगों ने किया खुलकर प्रदर्शन। लोगों ने कहा, कई वर्षों से इस जगह पर जलभराव रहता है, लेकिन किसी भी प्रधान व नेता ने जलभराव को लेकर इस समस्या को नहीं सुलझाया। कई बार शिकायत की तो प्रधान टाल मटोल करते रहे और इस मार्ग पर जलभराव की समस्या जस की तस बनी रही। इसी के वास्ते ग्रामीण परेशान है और उन्होंने ये भी बताया कि पूरे मोहल्ले में काफी जलभराव होने से लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इस मौके पर करीब 2 दर्जन से अधिक लोग मौजूद रहे। साथ ही महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया, कहा कि हम लोगों को खेतों में जाने में बहुत परेशानी होती है। महिलाओं ने बताया कि जब से हमारी शादी हुई है गांव कंचनपुर में, तब से ये मुख्य मार्ग ऐसा ही है। अभी तक इस मार्ग में कोई सुधार नहीं हुआ। लोगों ने कहा, चुनाव के समय सभी नेता कहते हैं कि हम सड़क बनवा देंगे, लेकिन बाद में क्या मिलता है? जनता को कीचड़ वादे कर झेल जाते हैं और जीतने के बाद गाँव की तरफ देखते भी नहीं। जनता को कीचड़ वादे कर चले जाते हैं और जीतने के बाद गांव की तरफ देखते भी नहीं। इस मौके पर रामकिशन यादव, गोविंद यादव, रामलखन यादव, आमीन खान, बंटू यादव, शिवम छात्र, मोनू छात्र आदि कई लोग मौजूद रहे। इतना ही कीचड़ भरा पड़ा है, कैसे लोग करते हैं, कैसे बच्चे करते हैं? बहुत बड़ी दिक्कत, पढ़ने वाले छात्र जा नहीं पाते हैं, रास्ते से अधपर से लौट जाते हैं, कोई गिर जाता है, गाड़ी वाहन भी निकल नहीं पाता है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं करता है। कोई नेता सब आ जाते, कोई वोट के लिए, साहब हमें वोट दीजिए, कोई जिला अध्यक्ष बना रहा है, कहीं बीटीसी बना रहा है, कहीं प्रधान बना रहा है, कोई सुनता ही नहीं। क्या आपने प्रधान को इसके बारे में सूचित कराया है? एक बार नहीं, 200 बार। प्रधान ने क्या आश्वासन दिया है? हाँ, आज बन जाएगी, कल बन जाएगी, नापतौल हो गई, छुट्टी हो गई। अच्छा, कर ले गए, जिला अध्यक्ष कर ले गया, ब्लॉक प्रमुख कर ले गया, MNC कर ले, सबकी नापतौल हो जाती है। ये विधानसभा करहल है, यहाँ से वर्तमान विधायक जो हैं वो अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव जो कि बहुत जाना पहचाना चेहरा है जो प्रदेश में है, उन्हीं की विधानसभा क्या नाम आपका? हमारा नाम है रामकिशन। रामकिशन, ये जो मार्ग इधर के लिए जा रहा है, ये कहाँ के लिए जा रहा है? जा रहा है सीधा मंसीरपुर के लिए। अच्छा, इस मार्ग से किस किस गांव के लोग निकलते हैं? मंसीरपुर है, कंचनपुर है, और चले जाओ हवाई नले कर रहे हैं यहाँ से। जी जी, अच्छा ये मुख्य मार्ग हो गया, ये कब से ऐसा पड़ा हुआ है? पड़ा ही है, मतलब जिंदगी है गई देखते जी। अच्छा, इसकी कोई उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं की, या विधायक से, या किसी प्रधान से बात नहीं की इसके बारे में? सबसे की है, कोई नहीं सुनता है। आपका? गोविंद जी, क्या आप बताएंगे जो मार्ग इतनी वर्षों से ये मुख्य मार्ग बना नहीं है? आपकी शादी को कितने दिन हो गए? 25 साल से, जब से आप यहाँ आए तब से आपने ऐसा ही देखा ही है। अच्छा ठीक, धन्यवाद। विधानसभा करहल में ये रोड के इस हालात ऐसे हैं, इसके बारे में आपने किसी को भी, जैसे ब्लॉक प्रमुख हैं, किसी को अवगत कराया है? आज दिन तक ब्लॉक प्रमुख खूब जानते आते हैं, लोग चले गए, अगर गांव में मौत हो जाती है किसी भी तरीके से तो जो बनी हुई रोड है उस पर निकाल ले जाते हैं, जहां गाड़ी फंसने के चांस हैं वहां कोई लेके नहीं आता है। ब्लॉक प्रमुख को कह दिया कि साहब हमारा गाँव एकदम स्वच्छ है, बढ़िया है, साफ सुथरा है। आप इसमें क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी रोड बन जाए। सरकार से क्या मदद चाहते हैं? सरकार से यही मदद है कि हमारी रोड बन जाए और यहाँ सुविधा हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे सब स्कूल जाने लगे। क्या पड़ जाती है? रोड ही नहीं बनी। तो रोड नहीं बनी तो उससे आपको क्या दिक्कत हो जाती है? अरे भैया, हम तैर के जाए, हम बताओ। अरे पानी भरो है, बरसात हो रही, पानी भरो है, रोड बनी ना ये। अच्छा, ईंट ईंट फीट तो हो तो चल जाए, ईंट पे चल के चले जाओ। जी जी, अब यहाँ तो गड्ढा है ना पूरा, कहाँ से जाइए चले गए। तो क्या नाम आपका? आपको कैसा लग रहा है ये कीचड़ में आप खड़ी हुई है? कैसा लग रहा है? जैसा है तैसा ही लग रहा है, निकलने में बहुत परेशानी। क्या आप इसमें इससे निकलती है रास्ते में जब गुजरती हैं तो क्या आपको कभी ऐसा भी होता होगा कि आप लोग इसमें गिर भी पड़ते होंगे? गोबर को पला लेके निकलते तो गिर भी गिर जाए तो आधा ही पैर टूट जाए और का हो। अच्छा, ऐसे निकलते हैं तो वो कैसे निकलते हैं, कहाँ से होकर निकलते हैं? स्कूल की दीवार में होकर निकलते, जो दीवार में चढ़ चढ़ निकलते, जहाँ निकल ही नहीं पाते। तो ये रास्ता, ये जो मतलब यहाँ पानी भरा हुआ है, जल भराव है यहाँ पर, यहाँ से कीचड़ भरा हुआ है, इसके लिए मतलब आप किसी से शिकायत नहीं की आप लोगों ने भी? अरे सब तो शिकायत की, कुछ सुन तो है तो। रोड बन रहा है, ये कितने सालों से नहीं बना हुआ है? अरे बहुत
करीब आप